हेलो फ्रेंड, नमस्कार। और एक नया वीडियो में आपको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं बनाने वाली हूँ आज मलाई से मक्खन कैसे निकाले और उस मक्खन से घी और बचे हुआ दूध से पनीर। तो जानने के लिए मेरे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले जो मैंने मलाई जमा करके रखी थी फ्रिज में एक हफ्ते की, उसको निकाल लेते। उसके बाद एक हैंड ब्लेंडर से इस तरीके से मिला लीजिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी मिला लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बार में पानी मत मिलाना, तो ज़्यादा वो हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। इसके लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाना है। तो इसके लिए हमें ना चाहिए कोई मिक्सर ना कुछ, और बस एक हैंड ब्लेंडर से आपको मलाई से इतने अच्छे से जो मक्खन निकल के आएंगे, आप देख के हैरान हो जाएंगे फ्रेंड। तो आप देख सकती हैं, जैसे ही मैं हाथ घुमा रही हूँ तो गाढ़ जैसे बनते आ रहा है। इसको ही फ्रेंड मक्खन कहती है, जो अभी ऊपर ऊपर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो मक्खन है ना, ये निकल के आ चुके हैं। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ मक्खन निकल के कितने अच्छे से निकल चुकी है। ज़्यादा बर्तन हम नहीं ख़राब करेंगे, जो बर्तन से मैं घी बनाऊंगी उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देखो, जब मलाई से मक्खन निकलती है ना फ्रेंड, तो इस तरीके से होती है। तो इसको हम पहले जितना भी मक्खन है इसको अच्छे से निकाल लेते हैं फ्रेंड। तो जैसे ही निकाल लेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी बचे हुआ दूध से पनीर कैसे बनाए और इस मक्खन से आपको घी भी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए फ्रेंड मेरे वीडियो बिना स्क्रिप करके पूरा देख लीजिए, ताकि आप जान सके किस तरीक़े से मैंने पनीर और घी निकाला। तो जो मक्खन है ये मैंने सारे के सारे निकाल लिया फ्रेंड, इस तरीक़े से आप देख सकते। अब जो ये बचे हुआ दूध है, आप चाहे तो इससे लस्सी भी बना सकती है, कढ़ी बना सकती है, कुछ और भी बना सकती है, पर मैं आपको पनीर बना के दिखाऊंगी बचे हुआ दूध से। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हमने गैस ऑन कर लेना है। जो मक्खन है इसको जैसे ही मैंने गैस के ऊपर रखा, आप देख सकते कैसे निकल के लिक्विड से बन गए, क्योंकि इतना बहुत ही नरम होती है, थोड़ा सा गर्म मिलती है। जो ये ना बाटर में जैसे मक्खन लगते हैं ना, ऐसे पिघल के बिल्कुल वो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड। आपकी जो दूसरा गैस मेरा, उसमें हम रख लेते हैं पनीर बनाने के लिए। तो इसमें क्या होंगे, हमारे जो टाइम है ना फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएंगे। क्या होती है ना आजकल टाइम की जो महत्व फ्रेंड, अब सबको पता है। जैसे हमें टाइम बचे तो ऐसे ही काम करना चाहिए। तो हम टाइम बचाने के लिए दोनों इकट्ठा करेंगे। तो आप देख सकते जैसे ही दूध गर्म होने लगी, तो इसके अंदर जो एक वो मतलब कि दही दही से बनने लगे, मतलब यही है पनीर। अब आपको दिखाती हूँ थोड़ा उबाल के। इसके लिए मैंने ना कोई नींबू ना कुछ और मिलाया, मैंने कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि ऐसे ही इसमें खट्टास है, इसलिए अपना से ऐसे हो रहा है। क्योंकि ये एक हफ्ते की मलाई थी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं मिलाया। आप देख सकते हैं, ये जो बचे हुए दूध से मैंने पनीर बनाने की बोला, ये गैस मैंने बंद कर दी अभी, क्योंकि ये बन चुकी है। अब आपको छान के दिखाती हूँ फ्रेंड। आप देख सकते छानने के बाद मेरे इतने सारे पनीर निकल के आए फ्रेंड। अब देख सकते इससे आप चाहे तो परोठा भी बना सकते, गरम गरम पनीर की परोठा, या तो आप सब्जी में डाल सकते, बहुत स्वाद होती है। पर अगर आपको पनीर बनाना है तो दूध को ज़्यादा दिन मत रखिए, क्योंकि इसमें खटास आ जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की मलाई से ही आप बना सकते हैं, तो उसमें खटासपन कम होती है। आप देखो फ्रेंड, मेरे घी भी बन के बिल्कुल तैयार है। अभी क्या करना है, हमें गैस बंद कर देना है। इसके बाद हमें इसको सान लेना है। तो मैं टाइम बचाने के लिए घी को ज़्यादा ठंडा नहीं होने दिया, आपको पहले ही मैं सान के दिखाती हूँ।
ये कितने अच्छे से घी बन के निकल चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको ब्राउन भी कर सकते हैं, पर मैंने ब्राउन नहीं किया ताकि इसको जो घी की कलर है ना बहुत ही निखार के आएंगे। आप जो ये बचे हुआ एक्स्ट्रा है, इससे आप चाहे तो चीनी मिला के ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद होती है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा घी बचा हुआ है तो हम ऐसे इसको साइड कर देंगे, जितना भी घी बचा है साइड में आ जाएंगे और हम इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकती है जो घी है आपके सामने है बिल्कुल फ्रेश और कितने अच्छे से निकल के आ चुकी है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। बाय, नमस्कार।